दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस है और ये ऐसा करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को स्ट्रेच करके। जैसे ही चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर जमा होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को डिस्टॉर्ट करके पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। न्यूक्लियस का नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आकर्षण एटम को और ज्यादा स्ट्रेच करता है। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिस्टॉर्ट या विकृत करने की ये प्रक्रिया ऊर्जा यानी एनर्जी का यूज करती है, जो कि बाद में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर को हमेशा एक एनर्जी सोर्स जैसे कि एक बैटरी के साथ एक क्लोज्ड सर्किट में जुड़ा होना जरूरी है। जब स्विच को क्लोज किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज बढ़ने लगता है। इससे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ने लगता है। अंत में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाता है क्योंकि सोर्स वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज बराबर लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कैपेसिटर अब लगभग चार्ज हो चुका है। सभी कैपेसिटर समान परसेंटेज रेट पर चार्ज होते हैं। यूनिवर्सल चार्ज कर्व के आधार पर एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर अपनी क्षमता का 63.2% तक चार्ज हो जाता है, दो टाइम कांस्टेंट के बाद 86.5% और इसी तरह बढ़ता जाता है। पांच टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर अपनी क्षमता का 99.3% तक चार्ज हो जाता है और यहां हम मान सकते हैं कि ये पूरी तरह चार्ज्ड है। एक टाइम कांस्टेंट सर्किट के रेजिस्टेंट इनटू उसके कैपेसिटेंस के बराबर होता है और इसे सेकंड्स में मेजर किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सर्किट में अगर आपके पास 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस और 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है तो टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड होगा। इसलिए हर 5 सेकंड गुजरने पर कैपेसिटर उसके प्रस्तावित वोल्टेज परसेंटेज को प्राप्त करता रहेगा जब तक कि 5 टाइम कांस्टेंट बाद वो पूरी तरह चार्ज नहीं हो जाता।